शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सागर मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सर्दी के प्रकोप और शीतलहर को देखते हुए सभी विद्यालय के समय परिवर्तन और अवकाश करने की मांग की है। कांग्रेसी नेता सुनील लारा और ईश्वर राजौरिया ने बताया कि उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे राजस्थान भी भयंकर ठंड के प्रकोप से प्रभावित हुआ है, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ठंड पड़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है और अजमेर में भी यही हालात है। सर्दी के सूरज निकले हुए आज 5 से 7 दिन हो गए और निजी स्कूलें जो चल रही है अजमेर शहर में, उनकी ये मनमानी है कि उन्होंने अभी तक स्कूल के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का टाइम नहीं बढ़ाया है और स्कूल में बच्चों को सुबह 7 बजे उठ करके जाना पड़ रहा है इसी सर्दी में। तो हमारा यही था कि इन स्कूलों को जो अपनी मर्जी चला रहे हैं उन स्कूलों को पाबंद करके उन स्कूलों का टाइम बढ़ाया जाए बच्चों के लिए। जो बच्चे थोड़ा सा लेट जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगर मान लो किसी बच्चे को कोई स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा, कुछ भी हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और प्रशासन को पता है, प्रशासन को भी इतना ध्यान में होना चाहिए कि सर्दी में बच्चों का टाइम कम करना चाहिए। और आज हम कलेक्टर साहब से मिलना है, एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, उनकी वो बैठे थे कहीं मीटिंग ले रहे थे, तो एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने तुरंत कहा इसको आज हम दिखाता हूँ। तो हम आज और कल को छोड़ करके अगर 2 दिन के अंदर इन्होंने समय में बदलाव नहीं किया निजी स्कूलों ने, चाहे कोई सी स्कूल हो, चाहे मिशनरी स्कूल हो, निजी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सबका टाइम चेंज होना चाहिए, सभी बच्चे हमारे हैं। और अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी है, स्कूलों में समय चेंज नहीं किया, तो हम खुद जाकर के स्कूलों में जाकर के स्कूलों में चाहे हमें बंद करना पड़े, विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हम स्कूलों का टाइम बढ़ाएंगे उसके समय से। सर हम यूथ कांग्रेस और NSI संयुक्त रूप से यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और नहीं होता है तो फिर हम सर मंडे को जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन। यूथ कांग्रेस और शहर कांग्रेस की ओर से ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया गया है कि जो स्कूलों का समय वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, शीतलहर का प्रकोप है, अभी मावट गिरी है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है, सुबह जल्दी स्कूल जाने में उठ नहीं पाते हैं, तो यही हमने निवेदन किया है कि समय बढ़ाया जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो, दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले, पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।